नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। थाना पंत नगर क्षेत्र में विगत 2 मई को खटीमा निवासी एक युवक का शव छतरपुर में किराए के कमरे में मिला था। शव को कब्जे में लेने के बाद पुलिस ने कमरे की तलाशी ली तो उसके कमरे से एक सीसी और एविल इंजेक्शन और खाना बना हुआ मिला था, जिसके बाद पुलिस ने मृतक के दादा द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी थी। जांच में मृतक का दोस्त अभिषेक हत्या का आरोपी निकला। आरोपी ने कबूल किया कि मृतक उसकी मां को लेकर गलत नजर आया और उसके लिए गलत बोलता था, जिस वजह से उसे जहर देकर मौत के घाट उतार दिया। उक्त मामले का खुलासा SSP उधम सिंह नगर ने प्रेस वार्ता कर किया। विदित हो कि विगत 2 मई 2022 को चौकी सिडकुल पर सूचना मिली थी कि ग्राम छतरपुर में किराए पर रहने वाला एक लड़का अपने कमरे में मृत पड़ा है, जिसकी शिनाख्त पीयूष राणा पुत्र सुनील राणा निवासी श्रीपुर बिछवा थाना खटीमा के रूप में हुई है, जो कि मृतक अशोक लीलैंड कंपनी में काम करता था और अपने दोस्त सोनू पुत्र विनोद कुमार निवासी गंजाबाग थाना खटीमा नगर के साथ छतरपुर में किराए के मकान में रहता था। एक दिन पूर्व ही मृतक का दोस्त सोनू अपने घर खटीमा गया हुआ था और मृतक का दोस्त अभिषेक राणा पुत्र स्वर्गीय पूरन सिंह निवासी चारू बेटा थाना खटीमा उधम सिंह नगर उसके साथ रात में कमरे में रुका था। मृतक के कमरे की तलाशी ली गई तो उसके कमरे से मृतक के सामान के अलावा एक शीशी और एक एविल इंजेक्शन और बर्तनों में पका हुआ खाना, दाल और चावल मिले। पोस्टमार्टम में भी मृतक पीयूष राणा की मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है और मृतक का विसरा संरक्षित किया गया और संरक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया, जिसकी परीक्षण रिपोर्ट में मृतक के विसरा और मौके से मिले भोजन दाल और चावल में जहर होने की पुष्टि हुई। SSP उधम सिंह नगर ने आज खुलासा करते हुए बताया कि ऑफिसियल रिपोर्ट प्राप्त होने पर मृतक के दादा रामकिशन निवासी श्रीपुर बिछवा थाना खटीमा उधम सिंह नगर की तहरीर पर मामला दर्ज किया और अभिषेक राणा उपरोक्त से पुनः पूछताछ की गई तो उसके द्वारा अपना जुर्म कबूल कर बताया कि उसके द्वारा ही पीयूष राणा के एक खाने में जहर मिलाकर की थी। दोस्त की हत्या करने में चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि वो मृतक पीयूष राणा को पिछले 2 वर्ष से जानता था। पीयूष उसके घर पर भी आता जाता रहता था। पीयूष अक्सर अभिषेक की माँ के लिए गलत बोलता था और उसकी माँ पर गलत नज़र भी रखता था और उनके लिए अक्सर गलत बोलता था, जिससे शुभ होकर पीयूष को ठिकाने लगाने के उद्देश्य से अभिषेक 1 मई 2022 को घर से ही जहर लेकर पीयूष के साथ कंपनी में काम करने की बात कहकर उसके कमरे में आया और पीयूष कमरे में अकेला था और मौका पाकर अभिषेक ने पीयूष के भोजन दाल चावल में जहर सल्फास मिला दिया और आरोपी ने खुद खाना नहीं खाया। पीयूष ने खाना खाया तो रात में उसकी तबीयत बिगड़ने लगी तो अभिषेक उसे मरते देखता रहा। जहर देकर अभिषेक मौके से इसलिए नहीं भागा कि कहीं पीयूष की कोई मदद न कर दे। रात भर पीयूष तड़पता रहा और अभिषेक उसे मरते हुए देखता रहा। कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर बस से वापस अपने घर खटीमा चला गया। सोनू जब ड्यूटी खत्म कर वापस कमरे में आया तो उसने देखा कि पीयूष कंबल ओढ़े लेटा है। उसने उसे जगाने के लिए कंबल हटाया तो देखा कि पीयूष के मुंह से झाग निकला है और तब सोनू ने इसकी सूचना सभी को दी। 2.5 महीने पहले एक संदिग्ध हालत में एक छतरपुर में एक मौत हुआ था, जिसमें श्री पीयूष राणा मूल निवासी खटीमा और छतरपुर का रहने वाला है, छतरपुर में रहता था, अशोक लेलैंड में काम करता था, उसका संदिग्ध हालत में मृत पाया गया है। किसी भी पोस्टमार्टम में कोई कारण भी नहीं आया था, परंतु तत्परता दिखाते हुए हमने फॉरेंसिक लैब को वहाँ पर बुलाया था, फॉरेंसिक की टीम को बुलाया था और वहाँ पर जो रात को जो उसने खाना खाया था, खाने का सैंपल, पतीले का सैंपल और विजरा को भी भेजा था, तो पोस्टमार्टम में कोई कॉज ऑफ डेथ नहीं निकला। अभी हाल ही में FSL रिपोर्ट आई, जिसमें खाने के सैंपल में, पतीले में और विजरा में पॉइजन पाया गया सल्फास। उसके बाद FIR पंजीकृत कर दिया गया और सख्ताई से पूछताछ पर उसी का दोस्त, सबसे खास दोस्त जो कई सालों से दोस्त था और उस रात को भी वहाँ था, उसी के द्वारा सल्फास खिलाकर खाने में मिलाकर उसको मार दिया गया है।